कहते हैं अगर किसी चीज़ की प्रतिभा आपके अंदर है और उसके काबिल हैं आप, तो मंजिल एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। इस बात को चरितार्थ कर दिखाया है हज़ारीबाग के रिडारी निवासी विजय सिंह ने। आप विजय से पहले से मुखातिब होंगे, क्योंकि अभी भारत में कमावेश सभी घरों में लोग इनके जो धारावाहिक है एन टीवी में जो आता है, भाभी जी घर में है, उनमें आते हैं ये संस्कारी मास्टर जी के किरदार में। तो स्वागत करते हैं आपको हमारे इस छोटे से इंटरव्यू में। तो सबसे पहले आपसे सुनना चाहेंगे आपका जो पसंदीदा लाइन है जो सबकी जुबान पे वो बैठ गया है, तो आपसे पहले जानना चाहेंगे आपका वो, छोटा सा सुन लेंगे, उसके बाद फिर आगे का इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं? तो बेशक आपने लगातार जब भी सीरियल देखते हैं तो वो इनका जो अपीयरेंस आता है, तो कहीं ना कहीं दूर से ही अगर गुस्से में भी कोई बैठे हुए हैं तो उनके चेहरे पर ये मुस्कान लाते हैं। और मुसलसल ये कई सालों से जो है लोगों के चेहरे में मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो जानना चाहेंगे विजय जी आपसे कि केरेडारी से मुंबई तक का जो सफ़र रहा, इसकी शुरुआत कैसे हुई और बीच में बाधाएं क्या क्या आई? बेसिकली केरेडारी, तो मेरा ब्लॉक पड़ता है केरेडारी से 2 किलोमीटर आगे है, लई सुकुवार गाँव है, तो वहाँ पैदा हुए। गांव के स्कूल में जो झोला पार्टी लेके 75 में पैदा हुए थे। आई हैव 47 रनिंग बट नॉट लुक लाइक दिस। दिखते तो 22 के हैं आप। हाँ, ये मेंटेन किए हैं। तो गांव में पैदा हुए हैं, तो गांव के स्कूल में खपड़ेल, इतने बड़े स्कूल में 5वीं क्लास चलती थी, तो पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। मैंने कुछ सोचा नहीं था, सब चलते गए और रास्ता बनता गया। सोचा नहीं था कि मैं मुंबई तक पहुंचूंगा ये, लेकिन दूसरे क्लास में जाके ये समझ में आया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्वभाव से मेल नहीं खाता कि 10 बजे आना है, 4 बजे जाना है, अपनी मर्जी का मालिक हूं। तो मैं दूसरे क्लास में ये सोचा था कुछ भी करोगे नौकरी नहीं कर पाओगे। तो 94 में जब ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ तो मैं सोचता रहा 3 महीने क्या करें। तो मैं पहली बार थिएटर एक्टिंग किया था 83 में, 8 साल का था, गांव में, मेरे लई सुकुवार के नीचे बनिया टोली है, दीपावली नाटक होता है, तो नाटक किए तो लोगों ने 10-12 हज़ार, पहले टीवी टावर नहीं था, कहीं ड्रामा होता था, झुंड के झुंड रास्ते में स्टेज चौकियों की जोड़ के पेट्रोमैक्स जला के करते थे, तो किए तो लोगों को पसंद आया। फिर स्कूल DAV में पढ़े, DAV से 92 में मैट्रिक किए, DAV रजप्पा प्रोजेक्ट से, मेरे चाचा जी वहाँ टीचर भी थे। तो क्या हुआ कि स्कूल लाइफ में भी करते रहे, एनुअल फंक्शन वगैरह में, तो टीचर लोग बहुत शाबाशी करते थे, क्या एक्टिंग करते हो। तो फिर लगा कह रहे यार, लोग कहते हैं कि तुम एक्टर भी अच्छे हो, तो वाई नॉट डू बिकम इन एक्टिंग एक्टर। तो फिर हम सोचे कि एक्टर ही बना जाए। तो उस समय रांची एक्सप्रेस ज़्यादा चलन में था, जब ये बात है तो रांची एक्सप्रेस में कॉलम छपा था, अशोक बेचारे गुजर गए, बहुत अच्छे कवि भी थे अशोक जी का। तो उसमें क्या लगा कि फिल्मों में जाने के लिए थिएटर करना ज़रूरी है, फिर हम थिएटर सर्च किए, तो थिएटर शुरू की। फिर 2001 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में एडमिशन हुआ, पंकज त्रिपाठी हमारे बैचमेट हैं। 2004 में पास आउट हुए, फिर मुंबई चले गए। मुंबई गए तो ज़िंदगी में हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, संघर्ष नहीं करना पड़ा। अब झूठ झूठ क्या बताया कि हम प्लेटफॉर्म पे सो गए, तो पटरी पे सो गए, कुछ नहीं भाई, ज़िंदगी में मैं हमेशा मतलब ठीक ठाक ही रहा हूँ। यानी आपने एक पोल भी खोल दिया इस बीच कि कई लोग जो स्ट्रगल की कहानी भी बनाते हैं। हाँ, हमको लगता है झूठ है कि ये खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, आपकी इतना भी क्या मुफलस है ज़िंदगी में, जब ऐसा तो निकल लो उधर से। तो यानी कहा जा सकता है कि आप जिस वक्त की बात कर रहे थे, उस वक्त अगर हज़ारीबाग और केरेडारी की बात की जाए तो यहाँ के अगर जो मेंटलिटी के लोग हैं वो सपना, उनके लिए सपना ही हो सकता था उस वक्त की अगर बात करें तो, क्योंकि हज़ारीबाग में रेल की भी सुविधा नहीं थी। अच्छा, आज भी नहीं। हाँ। है सही कहा। रेल की एक कहानी हम बताते हैं, ये 92 की बात है, उसमें रजप्पा प्रोजेक्ट में पढ़ते थे और रांची में एडमिशन हो गया मारवाड़ी कॉलेज में, तो हम कभी ट्रेन का सफर नहीं किए थे। तो एक बार चाचा जी बोले गांव चले जाओ, हम सोचे यार बस टेकर से बहुत बार गए, इस बार ट्रेन चढ़वे करेंगे। तो रामगढ़ से हम बरका कान आए, फिर वहां से खलारी आए,
ट्रेन चढ़ने के लिए लोकल में। तो हम जो आपसे बात कर रहे थे, फिर हम लोग उसमें आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में, कि उस वक्त जो है लोग सोच भी नहीं सकते थे वहाँ जाने के बारे में, क्योंकि अगर हजारीबाग की बात की जाए तो यहाँ का माहौल उस वक्त का किस तरीके का हुआ करता था वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आज की बात की जाए तो आज कई युवा ऐसे हैं हजारीबाग में जो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सब क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ से जो वो मुकाम भी हासिल किए हैं। तो आने वाले अभी समय में कुछ वैसे पेरेंट्स या फिर वैसे बच्चे जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या टिप्स हैं? सबसे पहले तो मैं टिप्स देने वाला होता कौन, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी फील्ड में कदम रखने से पहले अपने पैर की पहचान कर लो। अगर मैं MS धोनी को छक्का मारते हुए देखूं और सोचूं कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊं, तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि सामने 120 के स्पीड से को बॉल फेंकेगा तो हम बैट रख के नमस्ते कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने हर आदमी को एक अलग टाइप का एनर्जी, शक्ति, गुण, टैलेंट दे के भेजा है। तो पहले अपने टैलेंट को पहचानिए। हमहू का कल्चर है गांव में कि फलनवा फ्रिज ले लिए तो हमहू ले लेंगे, वो गाड़ी ले लिए तो हमहू ले लेंगे, वो एक्टर बन गए तो हमहू बन जाएंगे, वो सिंगर बन गए तो हमहू बन जाएंगे। अरे भैया, पहले खुद को पहचान तो लो, उस लायक हो भी या नहीं हो। हो तो अपने आप को मान जो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। आज भी आपको पता है 6 बजे से 9:30 बजे तक हम योगा अभ्यास रोज करता है। वो तो दिख रहा है, 47 का दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो प्रैक्टिस में रहना पड़ता है और खुद को पहचानना पड़ता है कि आप उस लायक हो कि नहीं। हवा में कुछ नहीं होता, हवा में कुछ नहीं होता। पहले खुद को पहचानिए कि आप गवैया, गायक, सिंगर बन सकते हो। अब मेरे को बोलोगे, मेरे को पता है अपने टैलेंट गाने के बारे में। चलिए, तो विजय जी आपने बहुत सही बात बोली कि आपने प्रतिभा पहले पहचाने कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आप में कलेक्टर बनने की सलाहियत है तो आप कलेक्टर बने, क्योंकि हर आदमी हर कुछ नहीं कर सकता। बेशक ऐसा ही कहा इन्होंने कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ की गुण है तो उसको ही निखारने की कोशिश करें और उस क्षेत्र में ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि ये कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये चीज़ आपने सही बात कहा। तो आप अब अपने बारे थोड़ा बताएंगे कि कैसे आपको ब्रेक मिला, पहली शुरुआत कहाँ हुई, क्योंकि अभी तो आप कमावेश, मैंने कहा कि भारत में नहीं, हाँ, विदेश में भी यूट्यूब के माध्यम से लोग आपको देखते हैं। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोग जो स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं, मैं भूखे मर रहा था, मैं परेशान था, मैं ये था, ऊपर वाले दुआ से मैं कभी परेशान नहीं हुआ, कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आपको पता है, मैं एक कहानी बताता हूँ। जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो नसीरुद्दीन शाह मेरे सीनियर हैं, वो जब पढ़ाने आए थे हमसे पहले मेरा हल्ला बम्बई पहुंच गया कि धरती का महान एक्टर आ रहा है। मैं मुंबई जाने के पहले मैं और शाहरुख सर मैं हूं ना के सेट पर 1.5-2 घंटा ऐसे ही बैठे रहे। शाहरुख सर बोल रहे हैं, अरे यार विजय, तुम बम्बई आ जाओगे तो फिल्म लेट होगा, सीरियल करना चाहोगे कि नहीं? मैं हूं ना, हम बोले उस समय वो चैनल भी खोलना चाह रहे, मैं कोई भी कुछ भी कर लूँगा। हाँ, तो मेरे साथ स्ट्रगल नहीं रहा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही करता हूँ। मैं जैसे कि 2-व्हीलर, बाइक, स्कूटी, 35 बुलेट भी चलाता हूँ, लेकिन नहीं चलाता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो मैं वही काम करता हूँ जिसमें कॉन्फिडेंट हूँ। चलिए, तो एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ही कहेंगे इसे, क्योंकि अभी सीरियल जो आपका काफ़ी चर्चित है, आपको अपने अलावा इस सीरियल में सबसे पसंदीदा कैरेक्टर किसका लगता है? भाषा के लेवल पे देखिएगा तो अपना योगेश भाई जो हप्पू सिंह है, क्योंकि वो राठ का है, यूपी में एक जिला है राठ, जिसे में हजारीबाग है, वो बोलता भी है सेट पे, अरे मैं राठ का लड़का यहाँ आ गया, तो लोकल टंग में जो बोलता है ना वो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा रोल करूँ कि खोटा बोल दूँ। एक कहानी आई थी जिसमें मैं जज बना था, तो डायरेक्टर ने बोला कि अपने भाषा में बोलो, तो मैं खोटा बोल दिया। चलिए, अच्छा लगता है। हाँ, अपना जो संस्कृति, अपना सभ्यता है, सभी लोग और लोगों के सामने अगर साझा करें तो ये चीज़ अच्छा लगता है। अगर आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे अगर बात करें, अभी देखिए क्या, मैं TV सीरियल के पहले फिल्म ही करता था, सोचा नहीं था सीरियल करूँगा। और अभी भाभी जी 6 साल हुआ, कम से कम 10-11 साल और चलेगा। तो इसके अलावा मैं TV सीरियल नहीं कर रहा हूँ, कर भी नहीं पाइएगा आप।
क्योंकि एक शो कर रहे हैं दूसरा शो मुश्किल होता है। अभी वेब सीरीज और बड़े बजट बड़े स्टार कास्ट की फिल्म दो ही चीज़ करूँगा, एड बड़े बजट की फिल्म और ओटीटी सीरीज। हाँ अभी तो ओटीटी का ही ज़माना है। हाँ तो ये सब अपना भी टारगेट है क्योंकि शो के ऑफर तो आते रहते हैं कि यहाँ से 2-4 हज़ार ज़्यादा ही देंगे, लेकिन भाभी जी में रम गए हैं। हाँ, वो अब एक परिवार बन गया है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्योंकि वक्त थोड़ा तकाजा है। तो ये हमारे साथ विजय थे जो कि बेसिकली हज़ारीबाग के रहने वाले हैं और जैसा कि आज ये हज़ारीबाग पहुँचे हैं तो इनसे सोचे थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि किस तरीके से जीवन में अपने आप को निखारना है और उसके अलावा कई सारी इन्होंने बातें बताई, अपनी जीवनी बताई है और आगे के बारे भी बताया कि किस तरीके से ये काम करेंगे। फिलहाल सबको धन्यवाद।